अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं गुलाम फरोज का, जिसने इतनी एफर्ट करी, इसने जो ये पूरा सेटअप करा, इसका ये सोच थी, ये सोच के ये मेरे पास आया और मैंने बस आप कहते हैं कि मदद करिए, पूरा काम इसी ने किया, तो उसके लिए गुलाम फरोज के लिए तालियां। मैं शम्स भाई का, मैं गुलाम अकबर मुरेजो भाई का, मैं सिकंदर भाई का शुक्रगुजार हूँ कि ये आए यहाँ। उन्होंने ये समझ के नहीं करा कि ये हामिद इस्माइल फाउंडेशन का इवेंट है, इन्होंने सोचा कि ये हमारा ही अपना इवेंट है, तो ये आए, इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर किसी के बारे में बात नहीं करनी है तो यहाँ हमारे कुछ लोग हैं, अब उनमें चार लोग हैं, एक है सलमान, एक है मोहसिन और हसीब, और अगर किसी के बारे में कोई किसी ने मेहनत करी, अगर आपको लगता है ये सारा काम है, और सॉरी आरिफ ईसा, और अगर किसी ने काम किया है इसके ऊपर, तो ये तालियां बजनी चाहिए हमारे आरिफ नुमानी साहब। मैं एक बात बताने जाऊँ, सुने आप लोग सब सुने। मैं आप लोग को एक बात बताने जाऊँ, मैं सात साल का था जब मैंने गोल्फ खेलना शुरू करा था। गोल्फ मैंने इसलिए खेलना शुरू करा था क्योंकि मेरे वालिद साहब ने, मैं वालिद साहब को बोलता था कि मुझे पार्क ले चलो, मुझे साइकिल चलानी है रोड पे, मुझे क्रिकेट खेलना है रोड पे। उस वक्त उस जमाने में कराची के हालात इतने खराब थे कि मेरे वालिद साहब मुझे करने नहीं देते थे, तो मैं अपने वालिद साहब को बोलता था मैं करूँ तो क्या करूँ, तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे तुम ऐसा करो कि गोल्फ क्लब चले जाओ, वो नीरी की जगह, वहां सेफ रहोगे। तो ऐसे मैंने गोल्फ शुरू कर दिया, 7 साल की उम्र में मैंने गोल्फ शुरू करा, और करते करते मैंने सोचा जब मैं 12 साल का हो गया था, मैं सोचा अब मुझे गोल्फ खेलना चाहिए अच्छा, तो मुझे गुलाम मिला, वो इतना अच्छा गोल्फ नहीं खेलता मगर कोच बहुत अच्छा है, तो मुझे गुलाम मिला। गुलाम और मेरी दोस्ती हुई जब हम 12 साल, मैं 12 साल का था, और उसने मुझे गोल्फ खेलना सिखाया। 13 साल की जब उम्र हुई तो मेरी इसकी दोस्ती और हमारे और भी साथी थे, मुझे इन्होंने चाय पे बुलाया शांति नगर में। अब मैं सोचा कि मैं कराची के अंदर घूम फिर नहीं सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है मैं शांति नगर कैसे जाऊंगा। शांति नगर की बात उस वक्त होती थी कि जो आदमी अंदर जाता है वो ही जाता है जो वहां का रहने वाला होता है, और कोई अंदर नहीं जाता है। तो मुझे शांति नगर में उसने बुलाया, मैंने भी हिम्मत की, मेरे को अब क्या मना करूं, दावत दिए तो चले जाता हूं, तो मैं गया। अब मैं चल के अंदर जा रहा था तो मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि हमें तुम अंदर नहीं आ सकते, ये तुम्हारा घर नहीं है तो तुम ये अंदर कैसा गए, किसी ने बोला। उसी दिन एक कनेक्शन बन गया मेरा कि मैं बोला यार किसी ने मुझे मना क्यों नहीं करा, ये इसका मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि शांति नगर ऐसी जगह ही नहीं है, शांति नगर तो लोगों को वेलकम करती है, बुलाती है, इन्होंने मुझे बुलाया। उस दिन से मेरा एक कनेक्शन बन गया था, उस दिन से मैंने एक ये अपने आप को वादा कर दिया था कि मैं कुछ ना कुछ शांति नगर के करूंगा, कोई ना कोई मैं इनके लिए काम बैठा करूंगा, कोई ना कोई जिंदगी। उस वक्त मैं मसला ये था कि मैं सिर्फ 13 साल का था, 13 साल की उम्र में एक बच्चा ही होता है, बच्चा क्या कर सकता है। मैंने इंतजार करा, मैं बड़ा हुआ, मैंने बोला अब मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही करते हैं, कुछ शायद उनसे खुशियां मिलेगी। मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट करा, मैंने पहला क्रिकेट टूर्नामेंट 3 साल पहले किया, मैंने 2 साल पिछले साल भी करा, और इस साल मैंने वो करा। क्यों ये लाइटें लगी हुई है इतनी ज्यादा, क्यों जहाँ प्राइसेस ज्यादा दिए, क्यों बिरयानी यहाँ सर्व हुई है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब मैं आप लोगों को खुश देखता हूँ, तो यहाँ भी खुशी होती है। जिस वजह से ये टूर्नामेंट होता है, ये मुझे लगता है ये टूर्नामेंट का फायदा भी हो रहा है। गुलाम ने मुझे जब पहली दफा आकर मुझे कहा कि हामिद तुझे ये टूर्नामेंट करना है, तो मैंने पूछा क्यों करना है, तो उसका जवाब था कि मुझे अपने बच्चों को नशे से निकलवाना है। तो ये और जो मुझे लगता है कि इसका फायदा भी हुआ, लोग नशे से दूर जाकर क्रिकेट और स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं, तो ये गुलाम ने मुझे बड़ी अच्छी बात करी, मेरे भी दिल पे लगी, तो मैंने ये करा। अब मैं आपको बताऊं कि शांति नगर में आप समझ रहे कि ये हामिद आए क्रिकेट टूर्नामेंट करेगा और चले जाएगा और अगले साल आएगा, यही लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है।
हामिद इस्माइल इसलिए नहीं आया क्योंकि आज से क्रिकेट टूर्नामेंट करनी है। हामिद इस्माइल इसलिए आया आप लोग को बताने के लिए, आप लोग को बताने के लिए कि और बहुत कुछ होने वाला है यहाँ। और क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। हामिद भाई, हामिद भाई, गुलाम भाई, मेरे बच्चे रोज शाम में अपने दादा के साथ पार्क में जाते हैं। पार्क में जाते हैं, वहाँ झूले होते हैं, वहाँ गार्डन लगा होता है, वहाँ भागते हैं फिरते हैं। मेरे एक 5 साल के और दो मेरी बेटियां हैं, वो 1.5 साल की हैं। अब वो घूमते फिरते रहते हैं, मैं देखता हूँ उनको कि यार क्या मजा इनको आ रहा है। मगर क्या आप लोग के पास ऐसी पार्क है? नहीं। क्यों नहीं है? अगर मेरे बच्चों के पास पार्क हो सकते तो आपके बच्चों के पास पार्क क्यों नहीं हो सकते? यहाँ मुझे बताया गया कि तीन चार पार्क है। वो पार्क में मैं आपको ये वादा करता हूँ कुछ टाइम में आपको वो 4 पार्क में पूरे बना दूंगा। मुझे कहा गया कि बिजली की यहाँ इतने मसले नहीं होते, मगर फिर भी मसले हैं, बिल भी ज्यादा आता है। मैंने ये पिछली दफा जब मैं आया था, कोई आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले बाद जो मैं आया था, मैंने कहा था कि मैं माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से बात करूंगा जो आपको सस्ता लोन देगा सोलर पावर लेने के लिए। तो अब ये है कि दिन दिन तो बिजली रहेगी, क्यों गर्मी लगी आपके बच्चों को? तो मेरे बच्चों को गर्मी नहीं लगती है, आपके बच्चों को भी अब से गर्मी नहीं लगती। खाना खाए बगैर रह सकते हैं, आपको पता ये बात? बहुत दिन तक रह सकते हैं खाना खाए बगैर। सुना है ना, स्ट्राइक होती है, हंगर स्ट्राइक होती है, मगर पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी के बगैर 1 दिन से ज्यादा आदमी मर सकता है, ये सच बात है। तो क्यों ना आप लोग अभी पानी लेते हैं, बॉइल करते हैं घर में, है ना? घर में पानी बॉइल होता है और फिर आप पिए जाते हैं। आपको पता है कि कितना इसके अंदर बीमारियां फैलती हैं पानी में, वो कितनी बीमारियां फैलती हैं। हम क्यों आपको इस बीमारी से क्यों ना बचाए, आपको क्यों ना बचाए? उसके लिए हम लोग ने एक 5,000 गैलन पर डे का फिल्ट्रेशन प्लांट और एक 10,000 गैलन पर डे का वाटर प्लांट, इंशाल्लाह इस ईद पे हम लोग नौकरी करेंगे, आप लोग जरूर आएंगे। ये जो प्लांट है, ये आप लोगों को लग रहा है कि 5,000 गैलन क्या चीज होती है और ये 10,000 गैलन क्या चीज है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज है। ये 15,000 गैलन 40,000 लोगों को पानी पिलाएगी, ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्री। आप लोगों को तो लग रहा है कि ये 40,000 हामिद कर लेगा खत्म, नहीं, शांति नगर में 1,00,000 लोग हैं। मैं ये वादा करता हूँ और जबान देता हूँ कि ये 1,00,000 लोगों को पानी मिलेगा। हमारा इसमें फायदा नहीं है, हम ये आपके लिए करने आए हैं। आप मुझे बताइए क्या मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, क्या आप मेरा साथ देंगे? ये जो हम करने जा रहे हैं, हम पानी का प्लांट लगाने जा रहे हैं, हम पार्क लगाने जा रहे हैं, हम दरख्त भी लगाने जाएंगे, इसका ख्याल रखना होगा, ये खराब ना हो जाए ये ख्याल रखना होगा, क्या आप ख्याल रखेंगे? इंशाल्लाह आप जो हम लोग लगाने जाएंगे उसका ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह आप क्या मेरा साथ देंगे? इंशाल्लाह इस्माइल और हामिद इस्माइल फाउंडेशन आपके साथ है, क्या आप हमारे साथ हैं? इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, जो हम लड़ने जाएंगे ये पूरा होगा, या पानी भी आएगा, या पार्क भी आएंगे, या बिजली भी आएगी, या शांति नगर को मैं मॉडल टाउन बनाऊंगा, एक मॉडल बनाऊंगा। मैंने एक वीडियो ली थी, मैं वापस वीडियो ले जा रहा हूँ, और वीडियो की वजह भी बताओ क्या है। कल रात को हम लोग, कल शाम में हम लोग बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, और हम पाकिस्तान के को एक एड में डाल रहे हैं। हम लोग कैंडी बिस्किट बेचते हैं, तो हम लोग एड बनाते हैं, तो हम पाकिस्तान को एड बनाए थे, तो हम लोगों को वर्ड इस्तेमाल करना था, ये इश्क या मोहब्बत पाकिस्तान के लिए। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों का मतलब नहीं समझ सक रहे थे कि क्या मतलब इस्तेमाल करें।
तो मैंने बोला वर्ल्ड में जाओ, हाउ डज इट मैटर, पाकिस्तान हमारा इश्क भी और पाकिस्तान हमारा मोहब्बत भी। हामिद भाई, हामिद भाई, हामिद भाई, मैं वीडियो लूंगा, मैं कहूंगा पाकिस्तान आप कहेंगे जिंदाबाद मंजूर है, पाकिस्तान चाहता हूँ।